पुलिस की सुस्ती अपराधियों की मस्ती बन जाती है, लेकिन अगर पुलिस मुस्तैदी दिखाती है तो अपराधियों के लिए परेशानी का सबब बन जाती है। सहरसा पुलिस ने लूट के अपराधियों की धरपकड़ के लिए कार्रवाई की तो महज आधे घंटे में एक अपराधी पुलिस की गिरफ्त में था। पुलिस की मुस्तैदी से मिली कामयाबी, दवा दुकान से हुई लूट का किया खुलासा, महज आधा घंटे में पकड़ा लुटेरा, लूट की रकम के साथ हथियार भी बरामद। सहरसा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने लूट के एक अपराधी को महज आधे घंटे में गिरफ्तार कर लिया। दरअसल सदर थाना इलाके के कोसी चौक पर स्थित गीता मेडिकल से शुक्रवार देर रात दो बाइक पर सवार चार अपराधियों ने पिस्टल के बल पर 2,57,000 रुपए लूट लिए थे। लूट की सूचना फौरन ही दुकानदार मुकेश ने सदर SHO को दी। 12 बजे के करीब हम निकल रहे थे दुकान से, चार अपराधी दो बाइक से आए और तीन के हाथ में जो है हथियार था, वो हथियार लहरा रहे थे, धमका रहे थे गोली मार देंगे और पैसा लाओ, तो वो उन्होंने सब पैसा लिया और बार बार धमकाते रहे। इसके बाद गाड़ी पर बाइक पर चढ़ के चलते बने। कितने की लूट हुई थी? लूट वही 2,60,000 रुपये करीब था और हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस जो है मात्र 10 मिनट के अंदर में पहुंचते हुए त्वरित कार्रवाई किए उन्होंने, और पुलिस का कार्रवाई बहुत सराहनीय था। उन्होंने बहुत जल्दी से एक्शन लिया और तुरंत आके वो दिशा पूछी और उसी दिशा में पुलिस निकाली गई, और फिर हमको 30-40 मिनट के बाद खबर मिला जो अपराधी पकड़ा गया और पैसा भी बरामद हुआ। दुकानदार की सूचना पर SHO ने फौरन ही कार्रवाई करते हुए अपराधियों का पीछा किया। पीछा करने के दौरान अपराधियों और पुलिस में मुठभेड़ भी हुई। अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस को भी गोली चलानी पड़ी। एक पुलिसकर्मी को गोली लग गई, जबकि एक अपराधी की जांघ में भी पुलिस की गोली लगी। पुलिस ने दो मोटरसाइकिल समेत एक अपराधी अश्विन झा को गिरफ्तार कर लिया, जबकि तीन अपराधी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। गिरफ्तार अपराधी के पास से लूट की रकम, 9mm के पिस्टल, 9mm की चार गोलियां, तीन मोबाइल और एक देसी कट्टा भी बरामद हुआ है। सूचना मिली है हमको मिली और हम लोग यहाँ से निकले तो स्थानीय लोग और दुकानदार द्वारा बताया गया कि दिशा बताया गया, भागने का दिशा बताया गया, जो दिशा में अपराधी भागे हैं, और पीछा करने पर डुमरे लछीनिया गांव के आसपास आगिर चौक के पास अपराधी घेरा गया और उसमें एक अपराधी पकड़े गए हैं। घटना में प्रयुक्त दो मोटरसाइकिल बरामद किया गया है, लूट किया गया तमाम रुपया जिसमें करीब 2,57,000 के आसपास है, दो हथियार, एक 9mm का पिस्टल, एक कट्टा कारतूस बरामद हुआ है। अपराधी को गोली लगी है, आशिक झा नाम है उसका, उसे सुपौल जिला के रहने वाले हैं, इसका इलाज अगर अस्पताल में। पुलिस को भी गोली लगने की बात, एक हमारे जवान मनोज कुमार घायल अपराधी पर सहरसा सदर थाना सहित सुपौल जिले के कई थानों में दर्जनों केस दर्ज हैं। अपराधी ने खुलासा किया है कि उसके साथ बेहरा थाने के नंदलाल गांव का संजीव यादव, अमित यादव और एक और अपराधी था जिसे वो नहीं जानता, जिन्होंने घटना को अंजाम दिया है। बता दें कि अश्विनी झा सुपौल जिले के पीपरा थाना के राजपुर गाँव का रहने वाला है, जो सहरसा में रहकर कई लूट की घटना को अंजाम दे चुका था। कौन कौन था आपके साथ? संजीव कुमार, अमित कुमार। कहाँ का रहने वाला है दोनों? संजीव कुमार नंदलाली, अमित कुमार का पता नहीं, और एक लड़का का नाम भी पता नहीं। इसके कौन सूचना दिया था लूटने के लिए? संजीव कुमार। संजीव कुमार किसके दुकान पर गए थे लूट कर? किसके दुकान पर लूटने के लिए गए थे? गीता मेडिकल। गीता मेडिकल कहाँ कहाँ गए थे लूटने के लिए? सहरसा। किसके दुकान पर? गीता मेडिकल। कितने आदमी थे आप लोग? चार आदमी सर। पिस्टल कितना था? सर एक पिस्टल 2-3 नट। पुलिस ने जरा सी मुस्तैदी क्या दिखाई, लूट के अपराधी सलाखों के पीछे पहुंच गए।
साथ ही लूट की रकम भी बरामद हो गई। पुलिस फरार अन्य अपराधियों की तलाश में छापामारी कर रही है। गुनाह के लिए सहरसा से आनंद झा की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।